जय सीएलसी। मैं देवराज यादव, मैं सीएलसी से 9th क्लास से जुड़ा हुआ हूँ। जैसा सीएलसी है वैसे और आपको किसी कोचिंग में नहीं मिल सकता। मैं आपको बताऊँ, अगर आप सीएलसी से सिलेक्शन मांगोगे ना तो आपको सीएलसी टॉप रैंक देगी। मैं 9th के अंदर आया था तो एकदम एवरेज स्टूडेंट था, फिर 9th 10th मेरा धीरे धीरे प्रोग्रेस होता गया और मैं आज विथ 12th 700 के स्कोर के साथ हूँ। बॉस का हार्डवर्क और हमारे पेरेंट्स का विश्वास, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से आज ये रिजल्ट आया है। अपने पेरेंट्स और बॉस और हमारे टीचर्स, इनका जो सपोर्ट रहा अनबिलीवेबल है। ये आपको और किसी कोचिंग में मेरे हिसाब से शायद ही मिले। तो मेरा टेस्टों का एवरेज था 690 और मेरे नीट के अंदर 700, तो आपके जो टेस्टों का एवरेज है ना उससे हमेशा बढ़कर ही आएगा। हमारे जो DCM थे, दंगल थे, मिड सेशन जो 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, उनका आप बच्चे को मतलब आप अगर एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आपको मिनिमम 4 times रिवीजन का टाइम मिलता है। बस मैं यही बोलना चाहूँगा, थैंक यू जय सीएलसी। मेरा नाम मुकेश यादव है, मैं खेजरुली ग्राम का रहने वाला हूँ। आज के 4 साल पहले मेरे बच्चे का एडमिशन करवाया था सीएलसी के अंदर, तो उसके बारे में मैं कुछ बॉस को और पूरे स्टाफ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पहली बार आया तो यहाँ की मैनेजमेंट के बारे में मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैंने सीएलसी चुनी। किसी भी अपन कोई संस्था चुनते हैं तो पहले जो चयन करते हैं जिस किसी भी संस्था का या किसी एजुकेशन के मामले में किसी भी कोचिंग का, तो वो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। तो मेरे को यहाँ सीएलसी अच्छी लगी और सीएलसी के अंदर जो बॉस का मोटिवेशन था वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा जैसे यहाँ की फैकल्टीज़ है उनका भी बहुत अच्छा सुझाव मेरे को मिला। और जैसे मैं कहूँ कि एक कांच के टुकड़े को मैंने आज के 4 साल पहले इनको मैंने सौंपा था, इन्होंने आज मतलब उसको एक हीरे का रूप देके और 700 अंक का स्कोर बच्चे ने बनाया। धन्यवाद।